तो दोस्तों एक बार फिर से लेकर आ गए हैं हम कुछ ऐसी मजेदार और क्रांतिकारी मशीनों की जानकारी लेकर जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल भरे काम को भी बेहद आसान बना दिया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। केज वेल्डिंग मशीन। यह बेहद विशालकाय और जटिल मशीन दरअसल पुलों एवं बड़े बड़े कंक्रीट के खंभों में इस्तेमाल होने वाले गोलाकार सरिये के ढांचे को बनाने का काम करती है। ढांचे बनाने के लिए कारीगर सबसे पहले इस मशीन में लगे कीप नुमा सांचों में पतली सरिये की सलाखों को डालता है। उसके उपरांत कारीगर मशीन का बटन दबाता है, जिसके बाद यह मशीन हरकत में आ जाती है और निरंतर गोल गोल घूमने लगती है। इसी विशालकाय मशीन के साथ ही सरिये की पतली सलाखों का एक बंडल रखा होता है, जो कि इस मशीन के घूमते रहने से इस गोलाकार ढांचे के साथ लिपटता जाता है। साथ ही साथ मशीन का मुख्य भाग उन हिस्सों को वेल्ड भी करता जाता है जहां पर सरिये की ये सलाखें आपस में मिलती हैं, और देखते ही देखते एक विशाल लोहे का ढांचा बनकर तैयार हो जाता है, जिसे कारीगर अंत में दूसरे सिरे से काट कर मशीन से अलग कर लेता है। बाद में इन ढांचों को आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल में लाया जाता है। अंडरग्राउंड केबल जंक्शन। बड़ी बड़ी कंपनियों अथवा सरकार के बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स अथवा दूसरी आवश्यकताओं के लिए बेहद मोटे एवं जटिल तारों को इस्तेमाल में लाया जाता है, और अगर जब एक तार से दूसरे तार को जोड़ना हो तो सेल पैक नाम की यह कंपनी बड़ी ही कुशलता से उस काम को करती है। इन दो मोटे तारों के मुहानों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले इनके ऊपर चढ़े जटिल रोधी पदार्थ को उतारा जाता है। इसमें कई प्रकार की लेयर्स होती हैं। फिर कारीगर बड़ी कुशलता से छोटे टूल की मदद से इन तारों के अंदर निकली तीन बेहद मोटी कॉपर की तारों के मुहानों को बड़ी सफाई से छिलता है। और उसके बाद दूसरी तरफ के जॉइंट को एक विशेष प्रकार की क्लिप, जो कि खास तौर पर ऐसे ही जॉइंट्स को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं, की मदद से दोनों तरफ के जॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है। इसके पश्चात कारीगर टेप को इस जॉइंट के ऊपर लपेटता जाता है। और बाद में पतली पतली टिन कॉपर वायर से बने जाले को इस जॉइंट के ऊपर अच्छे से बैठा दिया जाता है, जो कि इस जॉइंट को हवा पानी से होने वाले नुकसान से बचाने का काम करता है। इसके पश्चात कारीगर एक जालीनुमा सफेद टेप को इस जॉइंट के ऊपर चढ़ाता जाता है और बीच में एक छोटा सा सुराख बना देता है। जहां रेसिन अथवा एक अन्य मिश्रण को तैयार करके इसके अंदर भर दिया जाता है। इसे तब तक भरा जाता है जब तक इस टेप के अंतिम सिरों से यह मिश्रण बाहर ना आने लग जाए। कुछ ही समय बाद यह मिश्रण इतना अधिक ठोस हो जाता है कि वह इस तार के लिए बेहद शक्तिशाली रोधी पदार्थ का काम करता है। ग्रेनाइट किचन प्रोसेस। कई लोग अपने घर की रसोई में शेल्फ पर लगने वाले ग्रेनाइट पत्थर को बड़े ही आधुनिक तरीके से लगवाते हैं। इसके लिए कारीगर सबसे पहले रसोई का नाप ले लेते हैं, जिससे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि ग्रेनाइट को किस आकार में काटना है और कितना काटना है। उसके पश्चात ग्राहक बड़ी सी फैक्ट्री में अपनी मर्जी के मुताबिक ग्रेनाइट की क्वालिटी और रंग पसंद कर लेता है। जिसके बाद कारीगर कंप्यूटर में निर्धारित किए गए रसोई के नाप के अनुसार ग्रेनाइट को काट लेते हैं।
ग्रेनाइट को टुकड़ों में काटने के बाद उन टुकड़ों के सिरे को इस विशेष मशीन की सहायता से गोल बनाया जाता है, जिससे इन टुकड़ों के सिरों में काफी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। उसके पश्चात सीएनसी मशीन की मदद से इन टुकड़ों के बेहद जटिल घुमावदार कोनों को आकार दे दिया जाता है, जो कि आरा मशीन से संभव नहीं होता है। फिर कारीगर एक और अन्य मशीन की मदद से इस पर अच्छे से पॉलिशिंग करता है, जिससे इस ग्रेनाइट का रंग और अच्छा निखर आता है। उसके पश्चात कारीगर एक छोटी मशीन की मदद से छोटी छोटी कमियों को और अच्छे से फिनिशिंग करने का काम करता है और अंत में सिंक वाली जगह से ग्रेनाइट के टुकड़े को अलग कर दिया जाता है। और फिर अंत में कंपनी इन सभी टुकड़ों को ग्राहक के घर पहुंचा देती है, जहां पर मिस्त्री बड़ी कुशलता से इसे घर की रसोई में बैठाने का काम करते हैं। वे इन ग्रेनाइट के जोड़ों को एक विशेष प्रकार के पदार्थ से भर देते हैं और जब उसे सेट किया जाता है तो वह जोड़ ढूंढने से भी नहीं मिलता। अंतिम फिनिशिंग देने के बाद रसोई की वह शेल्फ बेहद सुंदर लगने लगती है। तो कहा जा सकता है कि ग्रेनाइट लगाने का यह तरीका काफी झंझट भरे काम को काफी सरल बना देता है। प्लाज्मा पावर मैक्स, यह बेहद शक्तिशाली मशीन लेजर टेक्निक से लैस है। आकार में भले ही यह छोटी है, मगर यह मशीन पलक झपकते ही मोटे से मोटे लोहे के टुकड़ों को काट डालती है। अक्सर लोहे को काटने के लिए जो मशीनें होती हैं वे आकार में बहुत बड़ी होती हैं, जिनका रख रखाव और उनके साथ काम करना काफी मुश्किल हो जाता है, मगर इस छोटी सी मशीन के एक बटन दबाते ही बेहद शक्तिशाली लेजर की धार निकलती है, जो कि लोहे को मानो मक्खन की तरह काट डालती है। इस मशीन की लेजर की क्षमता को आप धातु की मोटाई के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, जिससे यह बिजली तो कम खाती ही है, कारीगरों को भी काम करने में आसानी होती है। इस मशीन की मदद से आप सिर्फ लोहे को काटने ही नहीं बल्कि उसे आकार देने का काम भी कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि यह छोटी सी मशीन काफी सरल तरीके से जटिल काम को आसान बना देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। कैरोसेल मशीन, यह बेहद साधारण सी दिखने वाली विशालकाय मशीन कई लोगों का काम मानो चुटकियों में निपटा जाती है। यह मशीन दरअसल में बड़े बड़े फोम के टुकड़ों को पतली पतली लेयर में काटने का काम करती है। इसके लिए इन बड़े टुकड़ों को इस मशीन के निरंतर घूमते पैनल पर एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है। उसके बाद जब कारीगर इस मशीन को चालू करता है तो यह पैनल गोल गोल घूमने लगता है, जिससे इस मशीन के साथ लगा बेहद लंबा एवं तेज धार ब्लेड इन्हें बिल्कुल सही मोटाई में काटता जाता है। इसके उपरांत कारीगर मशीन को एक निश्चित मोटाई में काटने के लिए सेट कर देता है, और इस प्रकार यह मशीन फिर से इन टुकड़ों को काटती जाती है, और देखते ही देखते कई पतली पतली फोम की शीट्स बनकर तैयार होती जाती हैं। यह मशीन इस काम को इतनी सफाई और एकाग्रता से करती है कि कोई भी शीट का टुकड़ा पतला या मोटा नहीं होता, सभी टुकड़े एक बराबर मोटाई में ही कटते हैं, जिससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है।